क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में कोविड व्यवस्थाएं सहित अन्य सारी व्यवस्थाओं को बिलासपुर एमएस डॉक्टर एन के भारद्वाज ने निरीक्षण किया। निरीक्षण कर एमएस ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए, साथ ही ट्रॉमा सेंटर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने को लेकर भी कहा गया। एमएस ने सीनियर सर्जन डॉक्टर मुकेश चड्डा के साथ निरीक्षण कर यहाँ पे तैनात फार्मासिस्ट सहित स्टाफ नर्स को कोविड सैंपल के दौरान पॉजिटिव आने वाले मरीजों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश जारी किए। बताते चलें कि इस अधिकारी की कार्यप्रणाली से खुश होकर यहां पर तैनात स्थानीय लोगों ने भी अधिकारी की इस कार्य की प्रशंसा की है, साथ ही कहा कि ऐसे दौर में अगर जानकारी मिले कि कोई पॉजिटिव मरीज है तो कोई भी पास आने से डरता है, लेकिन उक्त चिकित्सक व अधिकारी बिना पीपीए किट डालते हुए मरीजों से सीधे संपर्क साध रहे हैं ताकि मरीज कोरोना के नाम से डरते हुए अधिक बीमार ना पड़े। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारा जो हॉस्पिटल है ये 60 बेडेड जो डीसीएससी बना हुआ है और 25 बेडेड हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है, तो जितने भी पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं हम सुबह शाम दोपहर इनके साथ जो है हमारा संवाद होता रहता है और टाइम टू टाइम इनसे जो भी चीज़ें इनको कोई किसी तरह को कोई डिफिकल्टी ना आए हम इनसे हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इसलिए मैंने ये मोबाइल केवल अंदर रख दिया हुआ है और उसमें हम बीच में बारी बारी से पूछते रहते हैं कि कोई किस तरह की किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, तो जो हमारी टीम अंदर जाती है वो एक हफ्ते के लिए सीधी चली जाती है और एक हफ्ता वो अंदर ही रहते हैं। हमने रखा हुआ सोमवार को सोमवार, तो आज सोमवार है तो जो पिछली टीम थी वो आज हमारी वो शिफ्ट हो गई है, दूसरी टीम आज अंदर चली गई है। बाकी इसी तरह हमारा जो मेन पार फ्लू ओपीडी है वहाँ भी हम किसी कोई पेशेंट अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है और उसको कोई अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको थोड़ा काउंसल करके और उसको जो अपने दवाइयों की किट दे के हम घर के लिए होम आइसोलेशन के लिए उसको मतलब मोटिवेट करते हैं। हाँ, जैसे आज भी हमने देखा कि एक हमारी बुजुर्ग महिला थी वो पॉजिटिव आ गई लेकिन वो साथ में कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरे को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आ रही है, तो हमने उसको आइसोलेट में अपना आइसोलेशन खोला हुआ है, आइसोलेशन में उसको शिफ्ट करके वो ऑक्सीजन की जो उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और उसके बाद उसको जो डीसीएससी हमारे थर्ड फ्लोर पे उसको हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे।